स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्वेरियम हॉबी और अपेक काविश के साथ। एंड टुडेज टॉपिक इज न्यू इन्वर्टिब्रेट। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टिब्रेट क्या, ना फिश ना प्लांट्स, इन्वर्टिब्रेट क्या, पहले बताते हैं इन्वर्टिब्रेट होते क्या हैं। इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में हमारे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे क्रैब्स हो गए और स्नेल्स हो गए और ये अर्थवर्म्स और ऑक्टोपस, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आज कौन सा इन्वर्टिब्रेट हम लाएँ अपने मरीन टैंक के लिए, वो भी, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। इसको ले आए थे हम इसको, और ज़्यादा स्ट्रेस में ना आ जाए इसलिए इसको हमने ला के पहले ही हमने इसको अपने टैंक में रख दिया था ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले। और अब ये इसका जो वाटर है वो मैच हो गया होगा, आप लोग को दिखाते हैं निकाल के। इसका वाटर का टम्परेचर मेरे मेन टैंक के टम्परेचर से मैच हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी देर से ये टैंक में है। तो आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग गेस कर सकते हैं क्या होगा इसके अंदर। दिख नहीं रहा, लग रहा है वो चिपक गया ऊपर ही। नहीं आ रहा, चिपक गया वो। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि अपनी बकेट ले लेते हैं और इस पॉलिथीन को ओपन करते हैं, है ना, और फिर निकालते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं हम लाए क्या हैं। एक्चुअली काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे इसकी हम, और अब जाके हमको मिल गया। मतलब मिल तो पहले भी सकता था, बट मेरी वाटर केमिस्ट्री सही नहीं थी उतनी ज़्यादा कि हम इसको रख सकते। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, अभी भी गैस नहीं कर पा रहे, सोचिए थोड़ा सा क्या चीज़ हो सकती है, सोचिए। चलिए इसको निकालते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं, और निकालेंगे फिर हम लोग ड्रिप एक्लीमेट करेंगे। टेम्परेचर एक्लीमेट हो चुका है, ड्रिप एक्लीमेट में क्या करते हैं, वाटर जो होता है उसको ड्रिप बाय ड्रिप अपने जो न्यू वाटर होता है, जो न्यू भी क्रिएचर हम लोग लाते हैं, जैसे कि फिश हो गई या कोई भी चीज़ हो गई इस टाइप की सेंसिटिव चीज़ है, उसकी सेलिनिटी पहले हम लोग मैच कर लेते हैं दोनों टैंक की, मतलब इसकी और जो इस जो हम लोग वाटर लाएँ दोनों की सेलिनिटी मैच हो जाए। फिर उसके बाद में फिर हम लोग अपने जो जो भी फिश या फिर इन्वर्टिब्रेट जो भी होता है फिर उसको अपने मेन टैंक में शिफ्ट करते हैं। तो चलिए इसको एक्लीमेट कर लेते हैं। तो पहले इसको पॉलिथीन को खोलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं है क्या। दिखा? नहीं दिख रहा है। शे देखिए, पलट गया, सीधा कर लेते हैं। दिखा क्या चीज है? ये हमारा एनिमोन है जो कि अभी क्लोज हो चुका है। हम लोग अपना वाटर ऐड करना स्टार्ट करते हैं, फिर ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फाइनली हमारा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो चुका है, और जो अपना एनिमोन है ये ऑलमोस्ट एक्लीमेट हो चुका है। तो हम लोग वाटर बंद कर देंगे और ये अलग हम लोग पाइप हटा लेते हैं अपना स्लाइन सेट, इसको हटा के अगले टाइम के लिए यूज़ के लिए रख देते हैं इसको साइड में, और अपने एनिमोन को निकालते हैं और अपने टैंक में शिफ्ट करते हैं इसको। और टैंक शिफ्ट करने से पहले आप अपने पंप वगैरह ऑफ कर दिए, क्योंकि जैसे आप इसको डालेंगे तो अगर हैवी फ्लो होगा तो ये ब्लो हो जाएगा, मतलब कि उड़ जाएगा पानी के फ्लो से ये। तो पहले थोड़ी देर वाटर वगैरह ऑफ कर दिए, जो भी आपका सर्कुलेशन वगैरह है, ताकि थोड़ी देर सेट हो जाए, अपने आप को एंकर कर ले, ये फंसा ले अपने आप को रॉक में, एक जगह टिक जाए, फिर अपने मतलब कि वेव मेकर वगैरह ऑन करिएगा तो ये उड़ेगा नहीं अपनी जगह से, फिर ये रुक जाएगा वहीं पर ही। तो चलिए इसको अपने टैंक में शिफ्ट करते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं अपना। तो इसको निकालने के लिए पहले जो देख सकते हैं, इसको अपने इसने एंकर कर लिया अपने आप को, देख सकते हैं इसे नीचे, इसका नीचे वाला पार्ट है,
इसने इसको एंकर कर लिया है, और देख सकते हैं आप लोग जो उसके नीचे वाला फुट है इसका, वो इसने इस एंकर कर लिया था, चिपका लिया इसने इस बकेट की बॉटम पे। तो इसको हम लोग धीरे धीरे से अपने नेल्स से, जो नाखून होते हैं उंगलियों के, उससे हम लोग धीरे धीरे इसको छुटाएंगे। जैसे कि कोई टेप वगैरह चिपक जाता है कहीं वॉल वगैरह पे, तो उसको छुटाते हैं ना, वैसे ही इसको हटाना है धीरे धीरे, प्यार से बिल्कुल आपको करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है वरना ये हार्म हो जाएगा, है ना, बिल्कुल धीरे धीरे करना है वरना डैमेज हो जाता है। ये देख सकते हैं अब ये बंद हो गया है क्योंकि डर गया है ये, इसको हम लोग छू रहे ना तो डर जाए, जब भी आप एनिमल को छूएंगे तो डर जाता है। और थोड़ी मेहनत लगेगी इसको करने में आपको, बट धीरे धीरे करिएगा, एकदम से ना करिएगा वरना डैमेज हो जाएगा आपका। ये लिविंग क्रिएचर, आपको परेशान नहीं करना है, इसको धीरे धीरे करना है। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं, हो रहा है ये, आपको धीरे धीरे करना है, देख सकते हैं कितना धीरे धीरे कर रहे हैं इसको, एकदम से नहीं, चाहे तो एकदम से नोच सकते हैं इसको, बट उससे डैमेज हो जाएगा। और अपना 50% तक लगभग इससे नीचे अपना फुट छोड़ दिया है, ये जो अपनी बकेट है इसके बॉटम से, ये तो बकेट अपनी मतलब कि इसका सरफेस काफ़ी स्मूथ है, रॉक वगैरह पे तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है छोड़ाने में, और ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। अभी तो फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं करना पड़ रही, करना पड़ रही है बट उतनी नहीं करना पड़ रही, उसमें तो एनिमोन कई बार डैमेज भी हो जाता है, एनिमोन जो भी आप लोग कहें। तो अब अपना थोड़ा सा बचा है, देख सकते हैं आप लोग जैसा कि इसको, देख सकते हैं लोग कितना धीरे धीरे अपने नेल से इसके फुट को हम छुटा रहे हैं, ताकि ये डैमेज भी ना हो और अपना काम भी हो जाए, ये छुट जाए। इसने सिर्फ इतनी सी ज़रा सी देर में इतने अच्छे से एंकर कर लिया अपने आप को, और काफ़ी हद तक हो गया है हमारा ये, अब ऑलमोस्ट हमारा 80% तक हो गया है, इसने अपना फुट छोड़ दिया है। और चलिए ट्राई करते हैं अपना ऐसे ही, और लगभग अपना हो गया है, और ये अपना बाहर आ गया है, एनिमोन हाथ में आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए आप लोग, ये अपने हाथ में आ गया है। अब ज़्यादा देर इसको अपने हाथ में रखेंगे वरना फिर हाथ में चिपक जाएगा ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है ये, तो ज़्यादा देर तक इसको हाथ में रखिएगा। तो चलिए, तो ये हमारे हाथ में आ चुका है जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, हम लोग इसको लेकर चलते हैं अपने टैंक के अंदर, इसको रख देते हैं। और वेव मेकर और पंप मेरा दोनों चीज़ें ऑफ हैं बिल्कुल ही, देख सकते हैं आप लोग, और धीरे से इसको लेके जा रहे हैं हम लोग, और इसको कहीं एक सही जगह पर रख देंगे जहाँ पर वाटर फ्लो और लाइट इसको दोनों चीज़ें मिले। तो इसको इस रॉक पे रख देते हैं अभी, इसको अगर मूव करना हो तो ये मूव अपने आप ही कर जाएगा, इसको वाटर फ्लो या फिर लाइट वगैरह सही नहीं लगेगी तो ये अपने आप मूव कर जाएगा। तो देख सकते हैं अभी जो इसके टेंटिकल्स आप लोग कह सकते हैं इसको, कितने अच्छे लग रहे हैं इस लाइट के अंदर, और देख सकते हैं अभी धीरे धीरे ओपन हो रहा है, और लाइट अपनी एडजस्ट कर लेते हैं पहले, देख सकते हैं धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है ये, इसको भी टाइम लगेगा हमारा। और जैसे कि देख सकते हैं आप लोग ये कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, पहले अपने आप को सीधा करेगा ये, फिर अपना फुट सही से फंसा लेगा ताकि ये उड़े ना। तो चलिए अपना टाइम लैप्स स्टार्ट करते हैं और कुछ देर तक इसको देखते हैं। तो अब हमारा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ज़्यादा हो चुका है, अपना वाटर हम लोग ऑन करते हैं, और वाटर फ्लो बहुत तेज़ इसको कम कर लेते हैं जल्दी से हम। तो हम अपना जो वेव मेकर है रोजमोंड वाला, इसको हम लोग कर लेंगे, बिल्कुल कम कर लेते हैं, 5% पे कर लेते हैं। अब देख सकते हैं वाटर फ्लो थोड़ा सा कम हो रहा है, 5% पे हमने कर दिया है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं इसको हम 2% पे कर देते हैं, ताकि पहले एडजस्ट हो जाए, फिर अपना वाटर फ्लो हम लोग देख लेंगे जैसा भी रखना होगा। तो देख सकते हैं वाटर फ्लो हमने थोड़ा सा और कम कर दिया है, अब 2% पे हमने सेटिंग्स अपनी सेव कर दी हैं, और देख सकते हैं अभी थोड़ा सा शेप में आने लगा है, उतना ज़्यादा नहीं उड़ रहा है ये, धीरे धीरे शेप में आएगा ये, अभी तो नया नया है, काफ़ी स्ट्रेस है और काफ़ी डरा हुआ है, तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही एडजस्ट होने देते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या है।
तो फ्रेंड्स आज हमारा नेक्स्ट जो देख सकते हैं जो मेरा वाटर फ्लो है जो कि रोजमॉन्ड का ही हमने वेवमेकर लगाया हुआ है, इसका आज हमने वाटर फ्लो हमने 5% पे कर दिया, कल हमने इसको 2% पे चला रहे थे, कल हम इसको उसके बाद फिर हमने 3% कर दिया था, अब हमने इसको 5% कर दिया क्योंकि धीरे धीरे इसका जो वाटर फ्लो है धीरे धीरे बढ़ाएंगे वरना जो एनिमनी है डिस्टर्ब हो जाएगा और ये उड़ के कहीं और चला जाएगा, अपने आप को सही से एंकर नहीं कर पाएगा। अभी तो इसने एंकर कर लिया, काफ़ी सही से अपने आप को एंकर कर लिया, तभी हमने वाटर फ्लो बढ़ाया है इसका। इसका नीचे वाला जो फुट देख सकते हैं वो नीचे रॉक पे लेके आ गया, अंदर से पूरा रॉक में लेके इसने फंसा दिया है, तो अब तो यहाँ से नहीं मूव करने वाला है। मेरे ख्याल से इसको ये जगह बिल्कुल सही लग रही है क्योंकि एनिमनी जो होता है ये हमारा इन्वर्टिब्रेट होता है, इसको लाइट और फूड दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, और जब इसको मतलब कि जैसे कि जब इसको लाइट वगैरह सही नहीं मिलती है तो ये मूव कर जाता है, एक जहाँ पर इसको लाइट सही मिल रही होती है वहाँ पर आ जाता है, फिर लाइट अगर ज़्यादा होती है तो वहाँ से शिफ्ट हो जाता है, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, जहाँ पर इसको फेवरेबल कंडीशन वाटर फ्लो वगैरह सही लगता है वहाँ पर जाके सेटल हो जाता है। तो अभी तक तो ये यहीं पर है और मे बी ये यहीं पर ही रहेगा। और जिसके बबल टिप आप देख सकते हैं, ये मेरा ग्रीन बबल टिप एनिमनी है, तो इसके बबल टिप्स आप देख सकते हैं, मतलब कि ये 100% का साइज नहीं आया है बट ठीक ठाक साइज़ आ गया है। मे बी इसका जो बबल्स का जो साइज़ डिपेंड कर रहा है ये लाइट पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो मेरी लाइट है ये स्पेशली डिज़ाइन मरीन टैंक के लिए लाइट नहीं है, ये बस ऐसे ही एक मेरा जुगाड़ है DIY, एक ब्लू और वाइट लाइट का कॉम्बिनेशन मिला के हमने लगाया हुआ है। बट बबल्स आ रहे हैं तो उसका मतलब इतनी भी ख़राब लाइट नहीं, अगर लाइट नहीं होती है सही तो इस पर बबल्स ही नहीं आते हैं, बबल टिप एनिमनी पे बबल्स ही नहीं आते हैं अगर ख़राब लाइट होती है तो बबल्स तो आ रहे हैं बट 100% साइज़ नहीं, इसका मतलब मेरी लाइट ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस ज़िंदा रख सकती है इसको इतनी है। तो और फ्रेंड ज़िंदा रखने से याद आया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समझते हैं कि जो एनिमनी को सिर्फ लाइट चाहिए होती है एक प्लांट की तरह, तो फ्रेंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक इन्वर्टिब्रेट है, इसको लाइट और फूड दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं खाली इसको फूड देना तो सिर्फ इसको फीडिंग देते रहते हैं, मतलब कि श्रिम वगैरह देते रहते हैं और सोचते हैं कि ऐसे ज़िंदा रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड, इसको लाइट और फूड दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं और इसको फीडिंग करवाना होती है अप्रॉक्स आपको मंथ में 3 times ऐसे करवाना होती है आपको, या फिर 4 times, डिपेंड करता है कितनी बढ़िया फीड दे रहे हैं और आपके एनिमोन का साइज़ क्या है उस पर डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा आपको फीड देना है। तो फ्रेंड जो फूड और लाइट के कॉम्बिनेशन से ही अपना फूड बनाता है, जिसके अंदर इसके टिश्यूज़ के अंदर एल्गी होती है उसको मेटाबोलाइज करके ये अपना फूड रेडी करता है, उसी से ये मतलब कि उसकी ग्रोथ होती है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा एनिमोनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि बहुत दिनों बाद इस हॉबी में कोई चीज़ देख के उनको काफ़ी अच्छा लगा और मज़ा आ रहा है इसको देख के, मतलब बिल्कुल पैसा वसूल चीज़ है। और फ्रेंड्स जो भी आप लोग के कमेंट हो सब कर दिएगा नीचे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कुछ और एनिमनी ला के हम थोड़े और लगा दें तो मेरा कि मरीन टैंक और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, देखते हैं क्या करना है। और जो भी आप लोग के सजेशन हो सब नीचे कर दिए, कमेंट कर दिएगा नीचे, और हम कुछ और फिश वगैरह कुछ लाइव स्टॉक और ला के अपने टैंक में ऐड करने वाले हैं। आप लोग कमेंट करिए क्या चीज़ लाएँ, क्या चीज़ अच्छी रहेगी मेरे टैंक में और क्या क्या सब कमेंट कर दिएगा नीचे। और अगर कोई चीज़ हम लाते हैं तो उसकी भी वीडियो आएगी, तो उस वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और पहले अपडेट के लिए हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हम मरीन टैंक प्लांटेड टैंक और सारी चीज़ों की अपडेट हम देते रहते हैं, सब कमेंट कर दिएगा नीचे। और आप फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे हमको पहले अपडेट के लिए, और ये ज़रूर कमेंट कर दिएगा हम लोग नेक्स्ट इसके अंदर क्या लेके आए हैं, बहुत ही जल्दी हम वो भी लेके आने वाले हैं, कुछ और चीज़ें हम इसमें ऐड करने वाले हैं और मे बी इसकी लाइट भी अपग्रेड करें, देखते हैं क्या करना है। तो जो भी सब आपके सजेशन वगैरह हो सब कमेंट कर दिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।